अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वी स्कूल के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ काम करते हैं। इन कामों को करने के लिए हम जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल की तैयारी करना, किसी चीजों को पकड़ना, खेलना कूदना, बाजार से मुख्तलिफ चीजों को लाना। खेलने कूदने के लिए हम हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी चीज को पकड़ने, गेंद को फेंकने के लिए या बल्ले को घुमाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम पेन को पकड़ने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे हमारे जिस्म के आज़ा कहलाते हैं। जो आज़ा जाहिरी तौर पर हमें नजर आते हैं वो बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदरूनी तौर पर कुछ अफ़आल होते हैं जो हमें जाहिरी तौर पर नजर नहीं आते, जैसे खून का जिस्म में दौरान करना, हमारी सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल, हमारे मुख्तलिफ अफ़आल जो अंदरूनी तौर पर होते हैं और हमें नजर नहीं आते, इन अफ़आल को करने के लिए भी मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल होता है। ऐसे अफ़आल जो अंदरूनी तौर पर होते हैं, अंदरूनी तौर पर अपने काम अंजाम देते हैं मगर जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आते, ऐसे आज़ा को अंदरूनी आज़ा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम काम में मसरूफ हमारे अंदरूनी आज़ा इस सबक का मुताला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।